हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। मॉडर्निज्म जिसे हम आधुनिकतावाद कहते हैं, वो कैसे कैसे बढ़ा हमारे इंग्लिश लिटरेचर में और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स थे, कैसे कैसे इसके राइटर्स को अपने आप को डेवलप किया, तो वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली शुरू कर लेते हैं, मॉडर्निज्म जो एक आइडिया है वो पूरा का पूरा एक चेंज है सोसाइटी में। बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ था, एक पूरा पर्टिकुलर इंडिविजुअल में नहीं हुआ था, पूरे वर्ल्ड में चेंज हुआ है मॉडर्निज्म का। और हम देखते हैं इम्पैक्ट इसका कल्चर और हमारी सोशल वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ था मॉडर्निज्म से। इंडिया में भी इसका चेंज हुआ है, और इंडिया में तो व्यापक चेंज हुआ है बल्कि मॉडर्निज्म का। और यहाँ पे लेकिन हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में जो चेंज हुआ है उसे डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्निज्म की अगर बात करें तो ये क्या है, बेसिकली हमें समझने की ज़रूरत है ये कि मॉडर्निज्म है ही क्या। तो मॉडर्निज्म एक ऐसी आंदोलन था, बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी थी जिसमें लोग ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल वैल्यूज़ पे और सामाजिक वैल्यूज़ पे, कुछ भी चीज़ पे जो है लोगों ने अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। नए नए चीज़ें, नए नए आइडियाज़ जो हैं उनके दिमाग में आने लग गए, और पुराने जो कि बायस पुरानी चीज़ें थी, जैसे रेडिकल थिंकिंग और ओल्ड ट्रेडिशन थी, ओल्ड वैल्यूज़ थी, पास्ट ओरिएंटेशंस, और ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म होने लग गई उस टाइम पे मॉडर्निज्म जब हमारा शुरू हुआ। तो यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे डाउट, लोगों में डाउट शुरू हो गए चीज़ों को लेके, इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, इंडिविजुअलिज्म को बहुत बढ़ावा मिला, पीपल वर जस्ट फोकस ऑन द इंडिविजुअलिज्म, और वो सोसाइटी को इतना फॉलो नहीं कर रहे थे, बट वो फोकस कर रहे थे अपनी खुद की रियलिटी पे, खुद की एक पर्सनालिटी पे और खुद ही के आइडियाज़ पे। यहाँ पे फ्यूचर ओरिएंटेशन की भी लोगों ने स्टार्टिंग कर दी, कि फ्यूचर ओरिएंटेशन को ज़्यादा बल मिला रादर देन पास्ट ओरिएंटेशन। मॉडर्निज्म क्या था, ये एक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में, और ये एक मूवमेंट की तरह चला, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट है, यूरोपियन, अमेरिकन एंड ये सारे के सारे वर्ल्ड आर्ट और लिटरेचर एंड कल्चर में इसका बहुत बड़ा चेंज आया इसका लिटरेचर एंड कल्चर में। यहाँ पे जो एरा है वो अगर हम कैरेक्टराइज करें तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इसमें बिल्कुल पूरी की पूरी मशीनरी आ गई थी। इसके बाद जो है हमारा सोशल चेंज हुआ, और ये जो एडवांस है साइंस बहुत एडवांस हो गई इस तरह से। आप देख सकते हैं साइंस, जैसे आपको मैं बताऊं तो वर्ल्ड वॉर वन की बात है ये भी, तो वहाँ पे उस टाइम पे साइंस का यूज़ शुरू हो गया भाई, एडवांस तरीके से साइंस की यूज़ शुरू हो गए। यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में फ्रॉडियन थ्योरी में लिखा है इन सब चीज़ों के बारे में, कि कैसे कैसे साइंस का शुरू हुआ, कैसे कैसे साइंस ने आगे बढ़ी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी थ्योरी में भी लिखी हैं फ्रॉडियन ने। यहाँ पे आगे मैं बात करूँ तो मॉडर्निज्म में लिटरेचर में कैसे आया, जो मॉडर्निज्म था ये तो बेसिकली पूरा एक आइडिया है उस सोसाइटी के बारे में, लेकिन लिटरेचर में जो आया ये 19 से 20 सेंचुरी में आया, जो लिटरेचर के अंदर आया। और जो राइटर थे उन्होंने नई चीज़ें स्टार्ट, न्यू थिंकिंग, वो भी खुद नेचर को हटा के, जो पहले के राइटर थे जो नेचर का एक एग्जाम्पल अच्छे से दिया करते थे, उससे हटा के जो रियलिटी है, जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है उसके ऊपर फोकस देने लग गए जो हमारे राइटर हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर देखे हमें अगर राइटर के, जिन्होंने राइटिंग्स लिखी, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत फेमस है राइटिंग। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये एक टेक्निक थी, फ्रॉडियन ने सबसे पहले इसके बारे में अपनी थ्योरी में लिखा था, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का में। और ये नेक्स्ट है लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टीन के द्वारा ये कोटेड हुआ है फॉर मशीन। तो इसमें उन्होंने ये बेसिकली कोट कर रही है कि जो पहले की जनरेशन थी द ओल्ड वंस, वो लॉस्ट हो चुकी है, दिस इज द न्यू जनरेशन, और न्यू जनरेशन चल रही है। तो यहाँ पे एक चेंज हमें देखने को मिलता है, न्यू पैराडिग्म्स आए यहाँ पे, न्यू क्या चीज़ें न्यू आई, जस्ट लाइक अ मैसिव एक्सप्लोजन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया, जैसे वर्ल्ड वॉर का वॉर्स का टाइम चल रहा था, ठीक है, बेसिकली लोग जो है साइंस का यूज़ कर रहे थे एक एक्सप्लोजन के रूप में, किसी के हानि पहुंचाने के रूप में उनका यूज़ हो रहा था, बेसिकली बहुत अच्छे लेवल पे बहुत फास्टिंग ग्रोइंग हो रहा था।
लेकिन उसका एंड जो था वो किसी को नहीं पता था। यहाँ पे साइंस के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो न्यू पैराडिग्म्स हमारे लिटरेचर में भी आए थे। यहाँ पे अगर आगे बताऊँ मैं आपको, तो जो राइटर हैं मॉडर्निस्ट राइटर कौन कौन से थे जो बहुत फेमस हैं स्टिल, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सैमुअल बकेट जिन्होंने वेटिंग फॉर गोडोट लिखा था और वो भी बहुत फेमस प्ले है उनका, और जेम्स जॉस है, जोसेफ कॉन्रेड है, T.S. Eliot। हाँ, T.S. Eliot भी हमारे एक मॉडर्निस्ट राइटर हैं। इन्होंने एक पोयम लिखी थी लव सॉन्ग्स ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो वो भी बहुत फेमस एक पोयम है। और विलियम फल्कनर है हमारे, वर्जीनिया वुल्फ हाँ, ये वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग है, जैसे मिसेस डेलोवे, ये बहुत ही फेमस है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में। वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग ने काफ़ी फेमस और बहुत अच्छे लेवल पर वर्क किया है और बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मॉडर्निज्म को। यहाँ पर D.H. Lawrence की एक और नावल है इनकी, सन्स एंड लवर्स, वो भी काफ़ी फेमस है नावल। और वो बेसिकली ये सारे के सारे राइटर हैं जो मॉडर्निज्म को फॉलो कर रहे हैं और उसी के लिए राइटिंग लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने लिखा है और अभी भी हम इनको पढ़ते हैं और इनको जानते हैं। यहाँ पे अगर मैं 2 स्पेसिफिक वर्क्स बताऊँ इन राइटर्स के द्वारा लिखे गए, तो फल्कनर ने लिखी थी एज आई ले डाइंग, और वर्जीनिया वुल्फ ऑब्वियसली मिसेस डेलोवे, तो ये 2 फेमस है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक वर्क जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडर्निस्ट राइटिंग को। तो आई होप दोस्तों यू अंडरस्टैंड दिस। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट कीजिए और आगे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर